जी साहब 17 तारीख को एंट्री है सर, मैं बताता हूँ सर। जी सर, ओके। अरे क्या कर रही है तुम? तिवारी जी, चले सामान जरा कचरा बाहर फेंक के आ जा। माफ करना, पर अगर ये मैं उठाऊंगा और जोशीपुरा साहब देखेंगे तो बहुत डांटेंगे साहब, बोलेंगे ड्यूटी के वक्त सोसाइटी के लोगों का काम क्यों करते हो। भाषा अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई, तभी तुझे उसको फोन करके पूछना चाहिए था ना कभी आने वाली है। साहब कल रात को आशा के पति दिलीप को किसी ने बहुत पीटा है, हो सकता है साहब दिलीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो इसीलिए आशा नहीं आई हो। अच्छा ये बात है, लेकिन क्यों पीटा दिलीप को, किसने पीटा? पता नहीं साहब, पीकर रिक्शा चला रहा होगा। नहीं नहीं साहब। या फिर किसी पैसेंजर को ले जाने से मना कर दिया होगा, इसमें क्या है? ऐसे एक मिनट, अगर चोट दिलीप को लगी है तो आशा को आने में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन पति को दवा दारू दे के काम पे तो आ ही सकती है। बराबर बोल रहा है जालर। और ये ज्योति, तुम लोगों को है ना ये आशा के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। यस, कल से आशा अगर काम पे नहीं आई तो पगार कट। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये क्या तरीका हुआ? आशा और दिलीप दोनों मेहनती है, दोनों दिल के अच्छे हैं। कुछ ऐसा हादसा हुआ है दिलीप के साथ जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर गांव जाना चाहता। आशा कहने को काम वाली बाई है, लेकिन वो हमारे परिवार का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमें जाकर पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। राजेश भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं काम करती हूँ, मैं वंदना भाभी को बुला कराती हूँ, हम सब साथ चलते हैं उनके घर। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा क्या हुआ है कि दिलीप मुंबई शहर छोड़कर जाना चाहता है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शहर में उसका अपना कोई नहीं है? ये पूछना चाहिए हमें उससे। मैं बुला के आती हूँ। आएगा दिलीप, ये क्या है? राजेश सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। कल कोई रईस दादा दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, उसकी मेरे ऑटो के साथ टक्कर हो गई। ऐसा रुभाब दिखा रहा था जैसे जैसे सारी गलती मेरी हो। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे इतना मारा। ये देखिए, बहुत बहुत बुरा हुआ दिलीप। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, केस कर देना चाहिए। दिलीप, सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा तुम्हारी मदद कर सकता है। नहीं सर, मैं ना बहुत छोटा आदमी हूँ सर, ये पुलिस कोर्ट कचहरी इस चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, बरोबर बरोबर राजीव भाई, ये बरोबर बोल रहा है बेचारा। अभी केस करेगा तो भी इसकी बात सुनेगा कौन? हाँ, उल्टे का गुस्से में कोई और पीट दिया फिर से तो। इसका मतलब ये नहीं कि हथियार डाल के शहर छोड़कर चला जाए। दिलीप क्या शहर क्यों छोड़ रहे तुम? राजेश सर आप जानते हैं, जिन्होंने मुझे मारा ना वो मेरे भांजे और भतीजे की उम्र के थे। वो मुझे मार रहे थे लेकिन पब्लिक में से एक भी मुझे बचाने के लिए नहीं है। नहीं रहना मुझे ऐसे शहर में, नहीं रहना। कल रात से एक ही बात कर रहे हैं, मैंने बोल रहे कि यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जीने से अच्छा है हम लोग गांव चले जाते, खोली भेज देते। मैं क्या करूं बहनी, इनको कैसे समझाओ बताओ। परेशान मत हो आशा, राज गए ना बात करने के लिए, समझाएंगे दिलीप को। हर्षद भी समझाएंगे शांति से कि मेहनत से और इज्जत से पैसा कमाने के लिए मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं। बिल्कुल, मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो बस कोमल की और उसकी पढ़ाई की चिंता है बहनी। मुंबई जैसी पढ़ाई उसको गांव में नहीं मिलेगी। अगर इसकी पढ़ाई रुक गई ना तो ये भी गांव में जाकर और लड़कियों की तरह गोबर के उपले थोपती रहेगी मेरी बच्ची। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आशा, राज है, दक्कू भाई है, हर्षद भाई है, तीनों मिलके समझाएंगे ना दिलीप को तो दिलीप जरूर समझेगा। हाँ तू चिंता मत कर, हौसला रख। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने
तुम्हें मारा, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए शहर छोड़कर जाना। राजेश सर, अपने पुराने दिन को याद करके मैं ये फैसला ले रहा हूं। आप जानते हैं राजेश सर, ये आशा जो है ना, ये जब 16 साल की हुई थी तब तक इसने अपने घर पे भी कभी बर्तन नहीं मांजे थे, लेकिन यहां आकर लोगों के यहां बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम हमारे गांव में ना बहुत ताजा खाना खाते थे, लेकिन यहां पर आकर लोगों का बचा हुआ खाना वो प्लास्टिक के डिब्बे में हमारे लिए लेकर आती है। तो मेरी लड़की खुश हो जाती, लेकिन मेरा दिल बहुत जलता है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता सर, बहुत बुरा लगता है। छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं सर इस शहर में। शांत हो जाओ, शांत। अरे हाँ बाबा हाँ, तू समझती नहीं है। तू 2 बजे की टिकट बुक करके रख, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बाबा, काम कर रही हूँ ना, समझा कर। सब लोग बैठे हैं, खाली पीले ध्यान जाएगा ना तो मेरे वांदे हो जाएंगे। हाँ माँ, वो वाला फ्लैट वो ऊपर वाला है ना? अच्छा अच्छा, हाँ। लाइट जल रही है जिसमें? वही वही हो रहा था सब। देखा ना ज्योति भाभी, कैसे काम करती है ये? ये होशियारी की पूछड़ी एक भी काम ढंग से नहीं करती। मेरे घर का भी यही हाल बना रखा है इसने। आशा की याद आ रही है ना? दिल से काम करती थी ना हमारी आशा, सच्ची। और 2 काम कभी एक्स्ट्रा बोलो ना तो मना नहीं करती थी। और काम करते करते बातें करते करते पूरे मोहल्ले की गॉसिप सुना देती थी हमें कि किसके घर में क्या हो रहा है। वही नहीं लाला, हो गया सब। हाँ हो गया, एकदम चकाचक। हाँ चकाचक, चकाचक। चलते हो? बाय बाय। फंस गए हम तो। पता है बंधु, सुबह जब आशा काम करने आती थी ना तो मेरे लिए ना अदरक की चाय बनाती थी, 2 कप चाय बनाती थी, हम दोनों मिलके पीते थे। और फिर वो काम पे लग जाती थी। देखो ना, आज चाय नहीं मिली ना उसके हाथ की, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। अरे तो मैं बनाती हूँ ना अदरक वाली चाय। बात चाय की नहीं है बेटा, बात ना उससे बात करने की तरफ आ रही है। बात करे आशा मुझसे, सच्ची है ना? काश आशा गाँव नहीं जाती। हाँ तो नहीं गई ना मैं? हाँ देखो इसको, ये के फॉर कुसुम। सॉरी हाँ कुसुम, तेरे को बी फॉर बड़ा वाला सॉरी, लेकिन इन लोगों का काम तो मैच करेगी। क्या? हाँ, जिसकी किस्मत उसी को रोटी, तेरा काम मैं थोड़ी छीन सकती हूँ। वही तो, वेरी गुड। चल चलती हूँ। बाय बाय बाय। फोन कर। बाय। अरे बाबा बोला वापस नहीं आना इधर। अच्छा बताएगी ये सब चमत्कार कैसे हुआ? जब हम कल यहाँ डांस कर रहे थे ना, तब वहाँ दिलीप ने राजेश भाव को पूछा, क्या हुआ तुम्हारे फार्म हाउस का? दिलीप वो फार्म हाउस खरीदने का ख्याल छोड़ दिया मैंने। क्यों सर, क्यों छोड़ दिया? सर आपको पता नहीं है गांव की हवा पानी कितनी साफ सुथरी रहती है, आदमी की उम्र बढ़ जाती है सर। मुझे बताइए सर, ये शहर में क्या रखा है सर? ये धूल मिट्टी खड्डे ट्रैफिक, आदमी की उम्र सर इसी में निकल जाती है। हमारे बस्ती में सर पानी भर जाता है, ये 2 नंबर के लिए बाहर जाना पड़ता है सर। हम कैसे दिन निकालते हैं ना हमको हमारा पता सर। ये देख रहे हैं सर आप, बिना कारण सर कोई भी आके हम पर हाथ उठा के चला जाता है, मार के चला जाता है। हम छोटे लोगों की कोई कीमत ही नहीं सर। हम लोग सर जिंदगी जीते नहीं,
जिंदगी ढकेल दे रोज। सर मैं तो कहता हूँ कि आप भी गांव शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट ना सही लेकिन आप फार्महाउस खरीद लीजिए, दो दिन गांव में रहेंगे सर तो तबीयत एकदम फिट हो जाएगी सर। आपको भी लगेगा कि क्या प्यारी दुनिया है, मजा आ जाएगा आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव की दुनिया बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है। लेकिन दिलीप मेरी जिंदगी में ना उससे भी ज्यादा सुंदर कुछ है। मेरी पत्नी, मेरी सुपरस्टार, मेरे दो बच्चे, ये मेरी लाइफलाइंस है दिलीप। और हम सबकी खुशियां इस शहर से, इस मायानगरी से जुड़ी हुई है। वागले परिवार की जड़ें हैं इस शहर की जमीन में। ये ख्याल बड़ा अच्छा है कि सर शिफ्ट हो जाइए गांव। मन करता है मैं भी ऊब जाता हूं ट्रैफिक से, खड्डों से, और जब ये देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है दिलीप। लेकिन मैं ये ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता दिलीप, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। इस शहर की धूप में हमारे सपने खिलेंगे। फार्म हाउस खरीदने से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है। तो पैसे मैंने मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए संभाल कर रखे। गांव में भी मिलेंगी ना अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन ये शहर मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के जितने मौके देगा ना, उतने मौके दूसरी कोई जगह नहीं दे सकते। इसीलिए धूल हो, ट्रैफिक हो, खड्डे हो, जैसे भी हो, मेरे लिए हमची मुंबई जिंदाबाद है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।